श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास को बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका जानने से पहले आपको यह चिंतन करना होगा कि आपका आत्मविश्वास दुर्बल होता क्यों है। यदि आपने कारण को खोज लिया तो उपाय भी निकल ही आएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह अमूल्य तरीका जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा बताया गया है। वो मोटिवेशनल स्पीकर है स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अवसाद से ग्रसित और युद्ध से विमुख एक महान योद्धा को केवल एक गीत के द्वारा फिर से युद्ध के लिए तैयार कर दिया। सबसे पहले तो आप यह बताइए कि सबसे अधिक आत्मविश्वासी किस उम्र के लोग होते हैं, बच्चे, किशोर, युवा या वृद्ध? मेरे अनुसार बच्चे बच्चे हमेशा खुश क्यों रहते हैं, क्योंकि वह कोई भी काम करते समय सफलता और असफलता के विषय में विचार नहीं करते। दूसरी बात, वह किसी को प्रभावित करने के लिए कोई काम नहीं करते, ना ही किसी को नाराज करने के लिए। अर्थात बच्चे दूसरों की नजरों से अपने आप को नहीं देखते। ऐसा बेपरवाह अंदाज आपके अंदर भी था जब आप बच्चे थे, लेकिन उसे आपने गवा दिया। फिलहाल आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं और अपमान से डरते हैं। इन चीजों के अलावा और क्या है जो आपके आत्मविश्वास को कम करती है? जरा सोचिए, एक नन्हे बच्चे को एक मंच पर जाने दीजिए और उससे एक कविता सुनाने को कहिए, वह सुना देगा। उसको परवाह नहीं कि आप उसे कोई महान वक्ता मानेंगे या नहीं, उसे मतलब नहीं कि तालियां कितनी बजाई जाएगी। उसने तो यह भी नहीं सोचा होगा कि इस कविता को सुनाने से मुझे क्या लाभ क्या हानि होगी। लेकिन आप कोई भी काम या कोई चीज की शुरुआत करने से डरते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद पर यकीन करने का मंत्र जाप कीजिए। आपके आसपास जितने नेगेटिव लोग हैं, कहते हैं वो काम तुमसे नहीं हो सकता या वो चीज तुम नहीं पा सकते, तो उनसे दूर हो जाइए और दूर ना हो सके तो उनके नेगेटिव एनर्जी को खुद के पॉजिटिव में बदल डालिए। मुझे कोई अगर कह भी दे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो मैं उसे चैलेंज समझकर अपना लेता हूँ और करके दिखाता हूँ, चाहे इसके लिए कितना भी समय लगे। धैर्य रखना भी एक बहुत ही बड़ा मंत्र है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास कभी भी पैदा नहीं किया जा सकता। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक दिन रात खुश सोए और सुबह उठकर आत्मविश्वास आ जाए। चलिए पहले समझते हैं आत्मविश्वास है क्या। आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर विश्वास करना। अब स्वयं पर कैसे विश्वास किया जाए, इसको दूसरों के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई मित्र है जिसको आपने पैसे उधार दिए हैं और एक महीने के बाद वह आपके पैसे वापस लौटा देता है, और अक्सर यह सिलसिला चलता रहता है। आप उसको पैसे दे भी देते हैं क्योंकि आपको उस पर विश्वास है कि वह लौटा देगा। और इसी तरह हमारा दिमाग एक तरह से उधार लेने वाले बैंक की तरह काम करता है। अगर आपने अपने जीवन में कोई भी रिस्क नहीं लिया और आपको कभी कोई काम में सफलता नहीं मिले, तो आप में निश्चित रूप से आत्मविश्वास की कमी होगी, क्योंकि आपके दिमाग को इसकी आदत ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ, अगर आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम कर रखे हो जिनमें आपने सफलता पाई है, तो आप में आत्मविश्वास होगा। युवाओं में यह समस्या आम है, लेकिन यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जिसका हल संभव नहीं है। इस प्रकार रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने पर भी मूर्ख व्यक्ति भी एक दिन कुशलता प्राप्त कर लेता है। निरंतर अभ्यास कुशल व्यक्ति को पंत पंगत बना देता है। अभ्यास के आवश्यक शारीरिक और मानसिक दोनों कार्यों में समान रूप से पड़ती है। लोहार, बढ़ई, सुनार, दर्जी, धोबी आदि का अभ्यास साध्य है। अर्जी का पुत्र पहले ही दिन बढ़िया कोट पेंट नहीं सिल सकता। इसी प्रकार कोई भी मैकेनिक इंजीनियर भी अभ्यास के द्वारा ही अपने कार्य में निपुणता प्राप्त करते हैं। विद्या प्राप्ति के विषय में भी यही बात सत्य है। जिस प्रकार रखे हुए शस्त्र की धार को जंग खा जाती है, उसी प्रकार अभ्यास के अभाव में मनुष्य का ज्ञान कुंठित हो जाता है और विद्या नष्ट हो जाती है। अभ्यास के बल पर मनुष्यों ने विशेष सफलता पाई। एकलव्य ने गुरु के अभाव में धनुर्विद्या में अद्भुत योग्यता प्राप्त की। कालिदास वर्ज मूर्ख थे, परंतु अभ्यास के बल पर संस्कृत के महान कवियों की श्रेणी में विराजमान हुए। वाल्मीकि डाकू से आदि कवि बनने में सफल हुए। यह तो स्पष्ट हो चुका है कि अभ्यास सफलता की कुंजी है, परंतु अभ्यास के कुछ नियम हैं। अभ्यास निरंतर नियम पूर्वक और समय सीमा में होना चाहिए। यदि एक पहलवान एक दिन में 1000 दंड निकाले और 10 दिन तक एक भी दंड ना निकाले, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा।
अभ्यास निरंतरता के साथ साथ धैर्य भी चाहता है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति वही करता है जो उन्हें सही लगता है, भले ही वह अलोकप्रिय हो। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है। जब आप में आत्मविश्वास खोने लगे तो आप अपने आप से बात करें। आप कभी भी आत्मविश्वास महसूस नहीं करेंगे। यदि अगर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार चल रहे हैं जो आपको बता रही है कि आप अच्छे नहीं हैं, आप आत्मचर्चा के बारे में सोचें। अपने आप से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने अच्छे दोस्त से करेंगे और अपने आप को खुश करें। आप उन चीजों के बारे में सोचें जिनमें आप अच्छे। हर किसी के पास ताकत और प्रतिभा। आपकी ताकत क्या है, यह पहचानना कि आप किसमें अच्छे हैं और उन चीजों पर निर्माण करने की कोशिश करने से आपको अपनी क्षमताओं में विश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कुछ यह भी कहते हैं कि आपको उन कमियों पर काम करना चाहिए जिससे आपको वास्तव में डर लगता है। डर लगना सामान्य है, मगर डर कर किसी काम को करना ही नहीं है। ऐसा सोचकर छोड़ देना उचित नहीं है, यह आपके आत्मविश्वास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए ऐसा काम करना चाहिए जो आपको हर दिन डराता हो। किसी और की मदद करना। अक्सर हमें अपने बारे में भूलने और हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी महसूस कराने में सक्षम बनाते हैं। जब आप किसी और के लिए कुछ अलग करने में सक्षम होते हैं तो अपनी खुद की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्वयं को सलाह देने, सहायता करने या सिखाने के लिए स्वयं सेवक बनिए और आप देखेंगे किस प्रक्रिया में आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। एक बार की बात है, एक युवक ने सनातन की पढ़ाई पूरी की। उसमें स्वाभिमान को कूट कर भरा था। उसने विश्वविद्यालय की शिक्षा भी अपने श्रम और मेहनत से पैसे जुटाकर पूरी की, लेकिन अब उसके पास कुछ भी पूंजी शेष नहीं थी। पढ़ाई करने के बाद बाहर नौकरी खोजने गया। कई महीनों तक उसे नौकरी नहीं मिली। वह निराश हो गया। पैसे खत्म हो जाने के कारण उसे दो दिन से खाना भी नहीं मिल पाया था। किराया ना देने की वजह से उसे अपना कमरा भी छोड़ देना पड़ा। अब वह रात में पार्क की बेंच पर सोने लगा। उसे निराशा ने घेर लिया था और उसे अपना जीवन बेकार लगने लगा। वह नौकरी ढूंढने के लिए जहां भी जाता उसे नौकरी नहीं मिलती। अंत में उसने निराश होकर नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिया। उसे लगा कि उसके जीवन में अब प्रकाश की एक किरण भी नहीं बची। अब उसके कपड़े भी फटने लग गए थे। पैसों की कमी, भोग के कारण उसकी दशा बहुत ही बिगड़ती जा रही थी। इस वजह से नौकरी में जाने के लिए इंटरव्यू देने का आत्मविश्वास भी उसके पास नहीं बचा था। काफी कोशिशों के बाद उसे एक रद्दी से होटल में बर्तन मांजने की नौकरी मिली। इससे उसे जैसे तैसे खाने को तो मिलने लगा, लेकिन अब भी उसे सोने के लिए पार्क की बेंच पर ही जाकर सोना पड़ता। वह एक रात अपने भविष्य की चिंता में लेटा हुआ था। अचानक उसे आसमान में लाल मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई दिया, अपने आप पर विश्वास रखो। वह सारी रात सो नहीं सका और व्याकुलता से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही उसने अपने मन में वह पुनः बात दोहराई, अपने आप पर विश्वास रखो। वह उठा, नदी किनारे गया, वहां जाकर अच्छे से मुंह हाथ धोया और दाढ़ी बनाई। इसके बाद वह मौजी के पास गया और उससे बूट पॉलिश मांगकर अपने जूते चमकाए। इसके बाद वह मन में दृढ़ संकल्प लेकर नौकरी खोजने निकला। अब वह किसी कार्यालय में जाता तो उसका स्वागत होता था, क्योंकि अब वह पहले की तरह नहीं लग रहा था। उसके कपड़े बगैर तो अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके मुंह पर आत्मविश्वास की झलक थी। वह जो कुछ भी कहता उसमें आत्मविश्वास झलकता था। सौभाग्य से उसे नौकरी मिल गई। नौकरी इतनी अच्छी नहीं थी जितना वह चाहता था, लेकिन फिर भी काफी अच्छी थी। सबसे बड़ी बात यह थी, वह अपनी समस्या को सुलझाने में सफल रहा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कई बार व्यक्ति परिश्रम तो कर रहा होता है, आशा और आकांक्षाओं के विरुद्ध कर रहा होता है। वह जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, परिश्रम उससे उल्टा ही करता है। उसे विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और धैर्य पूर्वक सही दिशा में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमें सफलता निश्चित ही मिलेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।